नमस्कार, वक्त हो गया है मॉर्निंग जी का। 7 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। क्या दिल्ली में दंगों के लिए तैयारी की गई थी? क्या साजिश के तहत दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट में हिंसा फैलाई गई थी? ये सवाल इसलिए क्योंकि दिल्ली चांदबाग में आईबी के कर्मचारी अंकित की हत्या के बाद जो खुलासे हो रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी ने अंकित के परिवार वालों से बात की। पहले आप ये सुनिए। मुझे तो पता नहीं मैं आपसे क्या पूछूं और मैं आपसे क्या बात करूं। आप ही मुझे बताइए, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, इस देश के लोगों को कुछ कहना चाहते हैं, आप हम सबसे कुछ कहना चाहते हैं, हमसे कुछ चाहिए आपको? सर, मैं यही कहूंगा जो सर, जो ये मुस्लिम जो लोग हैं सर, जो ये CA NRC का जो विरोध, कितना बुरा विरोध कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, प्रॉपर्टी जला रहे हैं, ये बहुत गलत कर रहे हैं। इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इन्होंने कितने घरों का नाश कर दिया सर। इसमें एक घर हमारा भी हो गया, इसमें हमारे घर का सर बर्बाद हो गया, हमारा घर सर। भाई सर, ड्यूटी पर थे सर, वो ड्यूटी से आ रहे थे सर, ड्यूटी से आ रहे थे तो उनको यहाँ पे पकड़ लिया। वो बाहर खड़े हुए थे, उनको पकड़ रहे, ड्यूटी से आ रहे थे सर। 4:30 बजे के आसपास वो ड्यूटी से आ रहे थे सर। आईबी में सर्विस करते हैं मेरे भाई, और वो यहाँ पे गली के बाहर पकड़ लिया उनको, पकड़ के उनको खींच के ले गए सर। भीड़ आई थी, पब्लिक आई थी, और पब्लिक खींच के सर पीछे ताहिर हुसैन, एक निगम पार्षद है, उसका मकान है, उस मकान में खींच के ले गए। ये मुझे पता नहीं वो उनको सपोर्ट कर रहा है या कैसे क्या कर रहा है, पर उसके मकान में ले जाके वहाँ पे यहाँ से 4 लड़कों को गए लेके। चारों लड़कों में अभी 3 लड़कों की बॉडी मिल चुकी है, 1 की बॉडी नहीं मिली, और चारों को सर नाले में डाल दिया है। दिल्ली दिल वालों की है, लेकिन कुछ तंग दिल और दिमाग के लोगों ने नफरत का ऐसा बीज बोया कि दौड़ती भागती दिल्ली सुनसान हो गई। बदहवास भीड़ की बर्बादी से जो मंजर दिल्ली ने पिछले दिनों में देखा वो बेहद डरावना और दर्दनाक है। नफरत और उन्माद ऐसे फैलाया गया कि पुलिस भी लाचार दिखी। दिल्ली के चांदबाग इलाके में आईबी में काम करने वाले अंकित शर्मा की हत्या का आरोप एपी नेता ताहिर हुसैन पर लगा है। अंकित का शव चांदबाग इलाके में मंगलवार को मिला था। अंकित अपनी ड्यूटी से घर लौट रहे थे, लेकिन दंगाइयों ने उन्हें पकड़ लिया और हत्या के बाद उनका शव नाले में फेंक दिया। जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी ने अंकित के परिवार से बात की। परिवार वालों ने ताहिर हुसैन पर हत्या का आरोप लगाया है। तो ये अंकित शर्मा का घर है, उनके घर हम यहाँ पर आए हैं। ये उनके पिता हैं, रविंद्र शर्मा का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, E140। नमस्कार नमस्कार। इनको परेशान करना ठीक नहीं है, अभी नहीं परेशान करना इनको ठीक नहीं है। मैं आपको मिलूं, लेकिन आप ना बिल्कुल ये मत समझना कि आप अकेले हो, पूरा देश आपके साथ है, सारे लोग आपके साथ हैं। बिल्डिंग आपने बिल्कुल अकेला मत महसूस करना, और आपकी मदर की और बहन की तबीयत अंकित शर्मा यूपी के मुजफ्फरनगर के रहने वाले थे। उन्होंने 2017 में नौकरी ज्वाइन की थी। अंकित के पिता भी दिल्ली में आईबी में तैनात हैं। बेटे को खोने के बाद अंकित का पूरा परिवार गम में डूबा हुआ है। तो दिल्ली में हुई हिंसा का सच सामने लाने के लिए जी न्यूज की टीम लगातार ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रही है। कल जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी ने हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा भी किया। हम आपके लिए दिल्ली के दंगों की आंखों देखी तस्वीर लेकर आए। दिल्ली सुलग रही है, सिसक रही है, मौतों का आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हिंसा के बाद हालात पूरी तरह बदल गए हैं।
जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी ने हिंसा में झुलसे इलाके में जाकर हालात का जायजा लिया, ये समझने की कोशिश की कि दिल्ली में इतने पत्थर और पेट्रोल बम कहां से आए, क्या दिल्ली में दंगे की स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी थी। तो जब आप इस सड़क पे निकलेंगे तो आपको जगह जगह इस तरह के गाड़ियों के ढेर दिखेंगे आपको, ये सारी मोटरसाइकिलों को, टू व्हीलर्स को, सबको एक जगह इकट्ठा करके यहाँ इसमें आग लगा दी है या जो भी है इनको यहाँ सड़क के ऊपर फेंक दिया गया है। तो ये दंगों की तस्वीर है जो आप बहुत आप लोग तो अभी अपने अपने घरों में होंगे और भगवान ना करे कि आपको कभी ऐसी जगह आने का मौका भी मिले, लेकिन आप अपने घरों में बैठे बैठे ये देख सकते हैं कि जब दंगा होता है तो क्या होता है। और एक दंगाग्रस्त जो इलाका है वहाँ रहना क्या होता है, वहाँ का जीवन क्या होता है। इतने लाखों लोग आज इस पूरे इलाके में एक कैदी की तरह रह रहे हैं, कहीं बाहर नहीं निकल सकते, अपने अपने घरों में बंद हैं, किसी का पता नहीं कि कब कहाँ किस मकान से पेट्रोल बम गिर जाए, पत्थर आ जाए, गोलियाँ चल जाएँ। ये जब आप इस तरह की चीज़ें देखते हैं तो आपको यहाँ ये भी समझना पड़ेगा कि ये किसी की दुकान रही होगी, ये किसी का रोज़गार है, किसी का घर यहाँ से चलता होगा, और ये उन सब लोगों के लिए एक सीख है जो लोग बार बार बेरोज़गारी की बात कर रहे हैं, नौकरियों की बात कर रहे हैं। जब ऐसे लोगों की नौकरियाँ जाती हैं और जब एक ही झटके में हज़ारों लोग बेरोज़गार हो जाते हैं, उनका रोज़गार उनसे छिन जाता है, रोज़ी रोटी का साधन छिन जाता है, तब इस तरह का मुद्दा कोई सामने नहीं लाता। ये मुझे मिला है ये आधार कार्ड है, देखिए किसी का जल गया यहाँ पर, अब है तो भारत सरकार यहाँ लिखा हुआ है, आम आदमी का अधिकार भी लिखा हुआ है। देखिए ये कितनी विडंबना है, ये भारत सरकार लगता है बस इस कार्ड तक ही सीमित रह गई है, इस आधार कार्ड तक, और आम आदमी का जो अधिकार है वो भी इस जले हुए कार्ड तक ही सीमित रह गया है। कहाँ है आम आदमी का अधिकार, जब आप देखेंगे चारों तरफ दिखाई नहीं दे रहा कोई। ये विजिटिंग कार्ड है, ये किसी की रोजी रोटी के साधन होंगे जब आप विजिटिंग कार्ड देते हैं अपना कि ये मेरा एड्रेस है, ये मेरी दुकान है, ये मेरा फ़ोन नंबर है, लेकिन अब वो पता ही नहीं बचा, दुकान ही नहीं बची, जहाँ काम करते थे वो जगह ही नहीं बची, तो फिर ये विजिटिंग कार्ड भी बेकार है, इनकी कोई फ़ायदा नहीं इनका। ये छोटे छोटे से इशारे हैं जो ये जगहें आपको पूरे देश को देने की कोशिश कर रही है, इनको छोटी छोटी चीज़ों को आप समझने की कोशिश कीजिए। ये कहाँ ले जा रहे हो आप इसको? ये बच गया तो वहाँ ले जा रहा हूँ जहाँ अभी कल से रह रहा हूँ। कहाँ रह रहे हो कल से? चंदू नगर। यहाँ से आपका घर तो यहाँ है? हाँ, जल गया सर। पूरा घर जल गया? हाँ सर, पूरा से घर जल गया, नीचे से ऊपर तक सब जल गया सर, सब नुकसान हो गया, बस ये बस ये बचा है, दो गैस चोरी हो गया सर, एक गैस बचा है, बाकी कपड़ा तक सब जल गया सर। अब क्या करोगे? अब क्या करूँ साहब बताओ, मुझे फैसला करो साहब। अब इसका सवाल का जवाब तो किसी के पास नहीं है, क्या कर सकते साहब, मेरे पास भी नहीं है सवाल का जवाब। होने को तो हो गया साहब, क्या कर सकते हो, तो ऐसा कभी ना सोचे थे साहब होगा दिल्ली के अंदर, कम से कम 35-36 साल हो गया हमारे रहते दिल्ली में, 35-36 साल हो गया साहब। दिल्ली के चांद बाग इलाके में लोग अब भी डरे हुए हैं, दंगाइयों ने किसी को नहीं छोड़ा, महिला हो या बच्चे, लोग अपने बचे खुचे सामान को समेट कर फिर से जिंदगी की शुरुआत करने में लगे हैं। इन गलियों में जब आप घुसेंगे तो सांस लेना मुश्किल है यहाँ पर, क्योंकि जलने की जो बदबू है, राख जो है, कई जगह तो अभी भी आग जो है थोड़ी थोड़ी अभी राख गर्म है, और यहाँ पर हर चीज, कोई चीज बची नहीं है, देख रहे हैं आप। ये आपका घर है? ये घर था आपका? हाँ, ये है, ऊपर जाके देखिएगा, इससे भी बुरी हालत हो रही है। तो क्या इसमें किस इतनी आग इसमें लगी, कैसे, क्या डाल दिया आपके घर में? पेट्रोल डाल दिया था? पेट्रोल डाला आपके घर में? यहाँ पे बेड था, ये
ये बेड का पूरा ही जल गया था, बेड खत्म हो गया हमारा। आपका तो कुछ कुछ चीज यहाँ बची नहीं है? नहीं, जो बची है पंखा देखिए आप ऊपर। अब इस मकान में जहां मैं अभी हूं यहाँ राख इतनी गर्म है अभी कि यहाँ खड़ा होना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि राख अभी आग जो है पूरी तरह बुझी नहीं है और राख गर्म है और पूरे घर की हालत तो आप देख ही सकते हैं। यह अलमारी रही होगी और ज़्यादा देर यहाँ से खड़ा नहीं हुआ जा सकता। तो अब आप क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे अब? अब कहाँ जाएंगे, किराए के मकान में उधर हैं। अब नया मकान किराए पे ढूंढेंगे। हाँ जी, उधर ही है अभी फिलहाल पड़ोस में। हालांकि हिंसा वाले इलाकों में तीसरे दिन हालात सामान्य रहे। हिंसा प्रभावित इलाकों में पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी गई है। ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जा रही है। हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस ने 18 FIR दर्ज की है और 106 लोगों को गिरफ्तार किया है। लोगों की मदद के लिए पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं।